आज हम बनाएंगे बटाटे वड़े। अगर आपको ये मेरी बटाटे वड़े की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसी नई नई रेसिपी मिलती रहे। इसके लिए हमें ये दो पोटैटो को बॉईल कर लिया है और इसके छिलके निकाल दिया है, और ये पोटैटो मिक्सर से हमें इसको मिक्स करना है अच्छे से। सबसे पहले हमने ये पैन लिया है, उसको हमें गर्म करना है। उसमें हम तेल डालेंगे 2 चम्मच। उसमें हम सरसों के दाने डालेंगे थोड़े, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। उसमें हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और ये कूटा हुआ जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च की पेस्ट है। अब उसको हम अच्छे से भूनेंगे। हम उसमें ये पोटैटो ऐड करेंगे वेस्ट किए हुए। हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। हम इसमें थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे थोड़ा सा। अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। वापस लेमन डाला है हमने। हम इसमें बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे। इसको भी हम मिक्स करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये हमारा रेडी है। चलो हम इसके लिए बैटर बनाते हैं। हमने बेसन लिया है, बेसन को हमने छान के लिया है। उसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें बैटर बनाना है। आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर ये रेडी है। ये हमारा फिलिंग ठंडा हो चुका है, तो उसके हमें छोटे छोटे बॉल बनाना है। आप जितने बड़े छोटे आप बनाना चाहते हैं आप वैसा बना सकते हैं। जैसे मैं बना रही हूँ आप देख सकते हैं, वैसे हम सारे बना देंगे। देख सकते हैं कि हमारे ये बोल रेडी है। अब इसके लिए हम तेल गरम कर दें बटाटे वड़े के लिए। ये हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। खाने का थोड़ा ऐड किया हमें चुटकी भर। थोड़ा सा गरम ऑयल डालेंगे हम इसके ऊपर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि हमारा तेल और सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए बैटर में। बैटर में हम ये बॉल डालेंगे और हम बैटर में डीप करके फ्राई करेंगे तेल में। हम इसको टर्न करेंगे ताकि अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब देख सकते हैं कि हमारे फ्राई हो चुके हैं। उसको हम निकालते हैं टिश्यू पेपर के। बाकी के भी हम वैसे ही फ्राई कर लेंगे दूसरे भी। आप देख सकते हैं कि हमने बटाटे वड़े को टोमेटो केचप के साथ और ग्रीन चिली के साथ सर्व किया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।